नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेनरिक स्टूडियो चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं दो शानदार फिल्मों का मुकाबला, गोलमाल 1979 से और गोलमाल फन अनलिमिटेड 2006 से। दोनों ही फिल्में अपने अपने दौर में बेमिसाल रही हैं। आइए जाने इनके बीच की समानताएं, भिन्नताएं और क्या इन्हें खास बनाता है। पहले बात करते हैं 1979 की गोलमाल की, जिसे महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया था। यह फिल्म एक अनमोल कॉमेडी है जिसने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। अमोल पालेकर द्वारा अभिनीत राम प्रसाद और बहुमुखी प्रतिभा के धनी उत्पल दत्त द्वारा निभाए गए भवानी शंकर के साथ गोलमाल एक पहचान की गड़बड़ी और हास्यपूर्ण स्थितियों की कहानी है। यह फिल्म अपने चतुर संवादों, साफ सुथरी कॉमेडी और यादगार प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म का मुख्य आधार है राम प्रसाद की नौकरी बचाने की कोशिश, जिसमें वह अपनी पहचान को लेकर झूठ बोलता है। अब आते हैं 2006 की गोलमाल फन अनलिमिटेड पर, जिसे रोहित शेट्टी ने निर्देशित किया था। यह फिल्म एक सफल फ्रेंचाइजी की शुरुआत है जो अपने स्लैपस्टिक कॉमेडी और समूह कलाकारों के लिए जानी जाती है। अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी और तुषार कपूर द्वारा अभिनीत यह आधुनिक गोलमाल हास्य और कहानी कहने के एक अलग ही अंदाज को प्रस्तुत करती है। यह चार दोस्तों की मस्ती और हास्यप्रद घटनाओं के बारे में है, जो लगातार एक के बाद एक कॉमिक परिस्थितियों में फंसते जाते हैं। दोनों फिल्में कॉमेडी और कंफ्यूजन पर आधारित हैं, लेकिन उनकी कथाएं काफी अलग हैं। 1979 की गोलमाल राम प्रसाद की कहानी है, जो अपनी नौकरी बचाने के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों, खुद और अपने गैर मौजूद जुड़वा भाई लक्ष्मण प्रसाद का नाटक करता है। फिल्म में स्थिति जनित हास्य और पात्र आधारित हास्य का इस्तेमाल किया गया है। राम प्रसाद एक साधारण आदमी है जो भवानी शंकर के नियमों के कारण झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। वहीं गोलमाल फन अनलिमिटेड में चार दोस्तों की मस्ती भरी कहानियां हैं, जो गलतफहमियों और बहुत सारे भौतिक हास्य पर आधारित हैं। फिल्म की कहानी तेज गति वाली है और इसमें गैग्स और दृश्यात्मक हास्य का अधिक उपयोग किया गया है। यहाँ दोस्तों का एक समूह है जो लगातार एक के बाद एक हास्यास्पद परिस्थितियों में फंसते हैं। 1979 की गोलमाल अपने सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है। अमोल पालेकर का राम प्रसाद का चित्रण भोले भाले और ईमानदार व्यक्ति के रूप में किया गया है, जो उत्पल दत्त के सख्त और हास्यपूर्ण भवानी शंकर के साथ बखूबी मेल खाता है। इन दोनों पात्रों के बीच की रसायन शास्त्र फिल्म का दिल है। राम प्रसाद का मासूमियत और भवानी शंकर का कठोर नियम पालन फिल्म को जीवंत बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर गोलमाल फन अनलिमिटेड में अधिक गतिशील और अतिरंजित अभिनय शैली है। अजय देवगन, जो अपने एक्शन रोल के लिए जाने जाते हैं, ने यहां अपने कॉमिक टाइमिंग से सबको चौंका दिया। अरशद वारसी और शर्मन जोशी ने अपनी अलग पहचान बनाई, जबकि तुषार कपूर का मूक पात्र लकी बहुत सारे भौतिक हास्य लाता है। सभी कलाकार मिलकर हंसी का तांडव करते हैं। हास्य की बात करें तो इन फिल्मों में काफी भिन्नता है। फिल्म का हर सीन आपको हंसी से लोटपोट कर देने के लिए तैयार किया गया है। अब बात करते हैं इन फिल्मों के संगीत और गीतों की। 1979 की गोलमाल में राहुल देव बर्मन का संगीत और गुलजार के गीतों का जादू है। गाने जैसे आने वाला पल जाने वाला है आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म का संगीत सरल और मधुर है, जो कहानी के साथ खूबसूरती से मेल खाता है। वहीं गोलमाल फन अनलिमिटेड का संगीत विशाल शेखर द्वारा दिया गया है। गाने जैसे गोलमाल गोलमाल और रहम करे काफी पॉपुलर हुए थे। निर्देशन की बात करें तो ऋषिकेश मुखर्जी और रोहित शेट्टी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। तो आपको कौन सी गोलमाल सबसे पसंद है? 1979 की क्लासिक आकर्षण और बुद्धिमत्ता या 2006 की हाई एनर्जी मस्ती? नीचे कमेंट में हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो तक हंसते रहें और अपनी फिल्मों का आनंद लें।